दोस्तों मैं भीम सिंह रेखवार। मेरे पास देखिए, ये देखिए यूनिवर्सल का 32 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है। देखिए ये इसका मॉडल नंबर है। इसको भी पहले मैंने 7 महीने पहले बनाया था, उसमें सेम प्रॉब्लम था बैक लाइट का, और ये डबल से वो ही कंडीशन में शायद आया हुआ है मेरे पास। मैं चलिए आपको ऑन करके और दिखाता हूँ। मैंने इसको पावर दिया, ये देखिए क्या इंडिकेटर आ रहा है इसमें। इसका रिमोट भी रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। देखिए ये इंडिकेटर ग्रीन हो गया, और देखिए एक बार ब्लिंक करता है बंद हो जाता है। देखिए इसको ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। देखिए एक बार ब्लिंक करता बंद हो जाता है, एक कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। चलिए इसमें दिखते लगा के कुछ ग्राफिक्स बन रहे हैं, मैं अपने वीडियो लगा को लगाता हूँ। वीडियो लगाती हूँ मैं, अभी सेट ऑन भी हुआ, इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ। तो फिर ऑन किया मैंने इसको, ग्रीन हुआ ये इंडिकेटर हुआ। ये देखिए एक बार यूनिवर्सल लिखा आता बंद हो गया, और उनको अच्छी एजुकेशन, देखिए आवाज़ तो इसमें आ रहा है लेकिन ग्राफिक्स पिक्चर जो होता है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखें पिक्चर बिल्कुल नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, ध्यान से इसके ऊपर देखें इसमें, तो पिक्चर इसमें आ रहा है लेकिन बैक लाइट की ही प्रॉब्लम हो रही। क्या हो रही है? अरे अरे अरे, चलिए दोस्तों ये देखिए सेट मैंने खोल लिया हूँ। यहाँ इसका बैक लाइट जो लगा था वो निकाल दिया हूँ बाहर मैंने, और ये देखिए मैंने टेस्टर पॉइंट पे लगा के इसको टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए कितने वोल्ट बता रहा है, 54 वोल्ट बता रहा है, और बैक लाइट तो ऑन इसका हो ही रहा है। देखते हैं, डिस्प्ले तो आ ही रहा था, डिस्प्ले भी आ रहा है लेकिन इसको चेक करेंगे इसका ड्राइवर सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कि बैक लाइट की प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं अलग से 3 पट्टियों को सीरीज में लगा के और फिर टेस्ट करूँगा। अगर यहाँ ठीक है, लाइटें जलती हैं तो ये सही काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है ड्राइवर की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर इसकी बैक लाइट खोल के चेक की जाएगी। तो ये देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों ये देखिए मैंने सीरीज बना दी है, इससे 3 बैक लाइटों की मैंने सीरीज बनाई है। ये देखिए इसका माइनस, ये प्लस, जो ये देखिए सीरीज बना ली है बैक लाइट की। इस तरह से मैंने ये पूरी 3 सीरीज बनाई है, और ये अच्छा तरीका है इस तरह से देखने का। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ड्राइवर ख़राब है या क्या ख़राब है, उस चीज़ को देखने के लिए आपको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, जिससे कंफर्म हो जाता है कि बाहर बोर्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है कि बैक लाइट ही में प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, बैक लाइट में प्रॉब्लम ना हो तो बोर्ड में प्रॉब्लम निकलती है। उससे ये देखिए इंडिकेटर आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ ऑन करता हूँ। देखिए ये रिमोट है इसका, नहीं उससे मैं इसको ऑन किया, ये मैंने ऑन किया। इसके बाद देखिए ये देखिए, ओह सारी 3 बैक लाइट जल रहा है, मतलब इसका जो ड्राइवर सर्किट जो बना हुआ है ये वर्किंग कर रहा है। इसमें प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं सारे, इसमें कोई डिफॉल्ट या कुछ है नहीं। ठीक है, लाइट वेक लाइट लगने के बाद ही इस पर वोल्टेज आते हैं। तो चलिए मैं वोल्टेज मैंने आपको बताए थे कि इस पर कितने आ रहे थे, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। चलिए मैंने इसको यहाँ ये कनेक्शन दोनों लगा दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, देखिए लगा दिया हूँ यहाँ पे वोल्टेज। देखिए यहाँ बन रहा है 82.5 वोल्ट बन रहा है। इसको वर्किंग करेगा। चलिए अब फाइनल हो गया कि इसकी बैक लाइट ही ख़राब है,
इस बैकलाइट को अंदर खोल के चेक करते हैं या पूरी ही ये तीनों बैकलाइट है नहीं डाली जाएगी। चलिए मैं कम खोल के कंप्लीट करता हूँ प्रॉपर। इसमें सारी बैक चेक करी लेकिन बैक सही बता रही थी, उसके बाद भी इसमें बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा था। मैंने अलग से लगा के आपको दिखाया था। इसके बाद मैंने सारी बैकलाइट है पूरी तीनों बदल दी हैं। इसमें देखिए तो तीनों मैंने लगा दी है मैंने। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से बीक होने कारण उसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा बन रहा था, क्योंकि पावर दे दिया हूँ मैंने इसको यहाँ पे। देखिए अब मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा और रिमोट जो है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया, इसके बाद देखिए दिखाता हूँ। देखिए सेट, ये देखिए सारी बैग ऑन हो गया। ये देखिए सारा बैक लाइट ऑन हो गया, ये जल रहा है। मतलब इसकी तीनों बैक ही गड़बड़ तो थी, कुछ रेजिस्टेंस को ज़्यादा बना दी जिसके कारण ये ड्राइवर्स का बोर्ड काम नहीं कर रहा था। मैंने आपको पहले भी चेक करा दिया हूँ उसमें कि इसमें चेक जो लाइट बैक लाइट नहीं जल रहा था, फिर मैंने अलग से तीन बैक लाइट लाया वही को इसमें डाला हूँ। चलिए अब मैं इसको कम्प्लीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पिक्चर कैसी आ रहा है क्या आ रहा है। देखिए बैग पूरा लगा दिया हूँ मैंने इसमें, इसको पैक कर दिया हूँ। पैनल बाद में लगाऊँ एक बार, फिर मैं इसको ये देखिए मैंने सप्लाई दे चुका हूँ, फिर एक बार उसको ऑन करके फिर देखता हूँ कि इस पर किस तरह का और रहा है बैग फोकस और लाइट किस तरह बन रहा है फिर देखेंगे। देखिए यह शानदार बन रहा है, बिल्कुल अच्छा आ रहा है। चलिए अब मैं इस पर पैनल लगाता हूँ और इसको ये साफ करके तरीके से इसको फाइनल और फुल और फाइनल करता हूँ, और फिर आपको फिर पिक्चर और सारी चीज़ चला के उसे मैं दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने देखिए सब पूरा कंप्लीट कर लिया, उसको पूरा कस के पहले पूरा बैक स्टैंड पे सब लगा के ये कंप्लीट कर लिया हूँ। चलिए अब मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने वीडियो ऑडियो भी लगा दिया हूँ, देखिए इससे इंडिकेटर आ रहा है। तो इसके स्विच ख़राब थे तो मैंने स्विच भी चेंज कर दिए। अब मैं यहाँ से इसके स्विच प्रेस करता हूँ, ये प्रेस किया मैंने, ये यूनिवर्सल का है। देखिए सेट है, देखिए ये देखिए ओके हो गया बढ़िया सब तरह से। देखिए बस क्लास अच्छी तरह से ओके हो गया, देखिए चल रहा है। अगर वीडियो सारी अच्छा आ रहा है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और साइट में जो बेल का घंटी होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जो भी ऑल करिएगा, जो भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको प्राप्त हो, और मेरे माध्यम से जो भी आपकी सहायता बनेगी मैं कर सकूँगा। धन्यवाद और फिर से।